ये हरियाणा से प्रश्न आया है कि गुरुदेव जी गीता से आज के युवा समाज को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। गीता श्रीमद् भगवत गीता जो कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाया था 700 श्लोक की गीता, उसी का नाम गीता है। ये गीता धार्मिक ग्रंथ है और हिंदू धर्म में इसकी बड़ी मान्यता है। और गीता में मेन चीज कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग, संन्यास योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षण, और गीता में आत्मज्ञान की बातें, ये सब बहुत बताई गई है। तो आज के युवा समाज की बात नहीं है, किसी भी जमाने का युवा समाज हो, श्रीमद् भगवत गीता सबको संयम नियम से रहने का संदेश देती है। और श्रीमद् भगवत गीता मन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का उपदेश देती है। और श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भगवान के श्रीमुख से जो उच्चारित हुई है अर्जुन के लिए, ये हमें संसार में अनासक्त रह करके निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देती है। तो हम सबको यही सीखना चाहिए कि निष्काम कर्म करें हम और साथ में अनासक्त रहें। किसी भी प्राणी में, पदार्थ में, पद में, अधिकार में, धन में, दौलत में आसक्त ना हो, चिपके ना, मोह ना करें, ममता ना करें। ये गीता सिखाती, युवा समाज को भी सिखाती और निष्काम कर्म योग करना सिखाती है। और युवा समाज को तो विशेष कर्मयोगी होना चाहिए। और निष्काम कर्म करने से सफलता और असफलता, कम सफलता जो भी मिलता है फिर भी दुख नहीं होता है, अगर हम निष्काम कर्म कर रहे हैं। और निष्काम कर्म जो करता है उसको क्रोध भी नहीं आता है, क्योंकि जैसे सकाम भावना रख करके आप कर्म करते हो, आश्रम में सेवा कर रहे हो, अंदर भावना ये है कि हमको आश्रम में इस विभाग का मालिक बना दिया जाएगा और फिर हमारे पास चाबी आ जाएगी, और आप काम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं सकाम भावना, कदाचित आपका चुनाव नहीं किया गया तो आपके अंदर क्रोध आएगा, फिर आप बड़बड़ाओगे, फिर निंदा करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे। और निष्काम कर्म कर रहे हो कि हमको न पद चाहिए, न अधिकार चाहिए, न धन चाहिए, न दौलत चाहिए और न हमको कुछ और चाहिए, हम तो निष्काम कर्म कर रहे हैं, कर्म करना हमारा स्वभाव है। जैसे सूरज सबको रोशनी दे रहा है तो सूरज किसी से नहीं चाहता कि हमको लोग प्रणाम करें, उसकी कोई कामना नहीं है, वो अपना कर्म कर रहा है, वो सबको प्रकाश दे देता है। जैसे वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ये किसी से कोई डिमांड नहीं रखते हैं, ये छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, फल फ्रूट देते हैं और शोभा बढ़ाते हैं, वातावरण को शुद्ध करते हैं, प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाते हैं, देते रहते हैं, जिसको जितना लेना लेते रहते लोग। लेकिन ये वृक्ष नहीं चाहते कोई मेरी पूजा करे, इनके अंदर कोई कामना नहीं है, या आकर के मुझे कोई हाथ जोड़े या मेरे को छूकर अपने मस्तक में लगाए और बोले वृक्ष देवता ये को दीपक, ये कुछ भी उनके कामना नहीं, तो वो हरे भरे प्रसन्न खड़े रहते हैं और सेवा करते रहते हैं। ऐसे निष्काम कर्म करो, निष्काम सेवा करो, निष्काम भक्ति करो, निष्काम राजनीति करो, निष्काम हो करके सभी काम करो। जैसे कितनी बहुएं हैं घर में काम करती हैं, अगर उनके अंदर सकाम भावना है कि हम खूब काम करेंगी तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। अब दो तीन बहुएं हैं तो डिवाइडेशन में तो सबको मिलेगा, लेकिन आप इस लालच में अगर काम करती हो, कदाचित आपको नहीं मिला विशेष कुछ ज्यादा, तो आपके अंदर क्रोध आएगा, आप अपनी सासू को गाली दोगी कि चुड़ैल थी, इतना मैंने सेवा किया, कुछ भी हमको नहीं दिया, सबको बराबर ही दे दिया और सब धान 22.5 पसेरी तौल दिया, हमारा तो 23 पसेरी वाला था। दुनिया भर का प्रपंच बलबल मचाओगी और ज्यों ही तुमको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ खास मिलने वाला नहीं, जो कामना है पूर्ण होने वाली नहीं, तो तुम वहां सेवा भी नहीं कर पाओ। ऐसे बहुत से गुरु के पास से लोग आते हैं जो सकाम सेवा करते हैं, सकाम भक्ति जिनकी है, वो सेवा नहीं कर पाते, उनको लगता है कि मेरी कामना यहाँ पूर्ण नहीं होगी, तो वह सेवा करना बंद कर देते हैं, सेवा के में ढिलाई डाल देते हैं, लापरवाही करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ लालच था, कुछ पाने की इच्छा थी, अब उनको लग रहा ये हमको मिलने वाला है नहीं, ये मिलेगा नहीं, तो वह सब छोड़ देते हैं, अपने कर्म धर्म को भूल जाते हैं, कर्तव्य को भूल जाते हैं। लेकिन जो शिष्य निष्काम सेवा करता है कि ना हमको तो ना तो गुरुजी से धन चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना पद चाहिए, ना अधिकार चाहिए, ना गाड़ी चाहिए,
कितने शिष्यों को ऐसे देखा गया, शुरू में आते हैं बड़ी सेवा करेंगे, बड़ी लबलक और बड़ी झपट, अब गुरु बेचारा जान नहीं पाया, परख नहीं पाया, परखने में बहुत लोग चूक जाते हैं। तो कुछ चीजें उसके नाम करा दिया, उसके बाद वो अलग हो करके उसके नाम जो चीजें थी उस पर केस लगा दिया कि ये चीजें हमको मिलनी चाहिए और ये चीजें हम अपने पास रखेंगे, मुकदमा चला दिया गुरु के ऊपर। अब गुरु भी असमंजस में पड़ गया और संस्था की प्रॉपर्टी अब लेना चाहता बेईमान आदमी। तो ये कोई निष्काम भक्ति नहीं थी उसके पास, न निष्काम सेवा थी, न निष्काम कर्म था, न निष्काम समर्पण था। उसके अंदर बहुत बड़ी कामना भरी हुई थी और उस कामना को छिपाई हुई था और दौड़ दौड़ के काम कर रहा था। अब गुरु समझता था, वहां आश्रम के सदस्य संत समझते थे तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन ये बहुत नालायक था, बहुत चोर चोट्टा था। अब उसकी जब कामना प्रकट हुई है तब वो जो है अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो उगरे अंत न होए निवाहु अब काल ने में जीवी रावण राहु, तो उगड़ करके आ गया जो। तो निष्काम भक्ति करने वाला व्यक्ति जो है वो कभी उसको क्रोध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है और न उलझने की जरूरत पड़ती है। निष्काम भक्ति, निष्काम कर्म, निष्काम सेवा और निष्काम व्यवस्था और निष्काम सिस्टम को चलाने वाला। अब देश के प्रति अगर आपकी निष्काम भावना है देश की सेवा में, तो आप काहे के लिए चोरी करेंगे, काहे के लिए झगड़ा मचाएंगे, कुछ नहीं, ठीक है भाई हमको अगर पद मिलेगा तो हम कायदे से चलाएंगे, देश का विकास करेंगे, उन्नति करेंगे और हमको इसमें लूट फातिया मचाना नहीं। लेकिन जिनके अंदर, नेताओं के अंदर सकामता भरी हुई है अंदर अंदर चुप्पे चुप्पे, तो मंच पर भाषण तो देते हैं इस देश के लिए मैं जान दे दूंगा और ये देश मेरे खून में, इसका कतरा कतरा मेरे खून का इसकी सेवा में लगेगा। और उसके बाद जब विधायक बन गए, सांसद बन गए, मिनिस्टर बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, ऐसा चुपके से उसको लूटते हैं, ऐसी परसेंटेज निकालते हैं, जो बजट बनाते हैं 10,000 करोड़ का ये बजट है, उसमें से कम ना ज्यादा तो 500 करोड़ तो वो खा ही जाएंगे पैसा। अब ये कामना लेकर के वे राजनीति में गए थे तो देश को लूट रहे हैं। जो कामना लेकर के साधु लाइन में आएगा वो आश्रम को लूटेगा, जो कामना लेकर के घर में कोई बहू आएगी वो घर को लूटेगी, ससुराल को लूट डालेगी, जो कामना लेकर के कहीं कोई नौकरी सर्विस करेगा वो पूरी फैक्ट्री को लूट डालेगा। तो ये सकामी लोग जो है जहां भी रहते हैं वहां लूट फातिया मचाते हैं। इसलिए निष्काम कर्म करना चाहिए। तो गीता हमको सिखाती है कि निष्काम कर्म करो और निष्काम भक्ति करो और ज्ञान योग, सांख्य योग और गीता आजकल के युवाओं को और जो बीत गए युवा उनको भी और आने वाले युवा सबको वही सिखाती है। और गीता ज्यादातर तो संयम नियम की ही बात बताती है। और गीता तुम्हारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है, ये भी बात बताती है। तो गीता से संदेश युवाओं को, बूढ़ों को, जवानों को, लड़कियों को, स्त्रियों को, बच्चों को, सबको लेना चाहिए। और गीता हमको एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिखाती है, काम क्रोध लोभ मोह को जीतने के लिए सिखाती है कि इनको जीतो तो सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। गीता हमको सही रास्ता बताती है। इसी तरह कबीर साहब का बीजक ग्रंथ है, उसके बारे में भी एक भक्त ने पूछा है। ये भक्त हमारा मध्य प्रदेश का है, उसने पूछा है बीजक से हमको क्या प्रेरणा मिलती है। जो प्रेरणा बीजक से मिलती है एक अच्छे इंसान बनने की प्रेरणा मिलती है, अच्छे संत बनने की प्रेरणा, अच्छे भक्त बनने की प्रेरणा, अच्छे नेता बनने की प्रेरणा, अच्छे मनुष्य बनने की प्रेरणा, अच्छे गृहस्थ बनने की प्रेरणा मिलती है, सब बुराइयां छोड़ने की प्रेरणा मिलती है और उसी से सुख शांति मिलेगी। तो हमारे जितने धार्मिक शास्त्र हैं सभी प्रेरक शास्त्र हैं और सबको उनसे सीखना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। बोलो सद्गुरु भगवान की जय।